तो गाइस फाइनली आ चुके हैं एक और नई बीजीएमआई की वीडियो के साथ हूं वापस। अब तक गाइस देखो कल यार मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जो कि एक्सक्लूसिवली थी ओल्ड इरांगल के ऊपर, यानी कि मैंने अपने पॉइंट्स रखे थे कि ओल्ड इरांगल आएगा हमारे गेम के अंदर या नहीं आएगा, या मतलब आ सकता है तो क्या पॉसिबिलिटीज है, एंड मतलब मैंने सारी चीजें बताई थी एंड सब कुछ मैंने क्लियर करा था। लेकिन यार कल की वीडियो पर मुझे ना कुछ ऐसे कमेंट आए, यार कमेंट तो छोड़ो यार, मुझे एक कल धमकी मिली है कि मेरा जो है ना चैनल मतलब एक बंदा जो है उड़वा देगा। तो मतलब यार कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, एक यूट्यूबर के पता नहीं कोई मैनेजर है या कौन है, मैं उसको पर्सनल नहीं जानता, ठीक है। एंड अभी मैं आप लोगों को जो है कुछ चीजें दिखाने वाला हूँ, कुछ यहाँ पर प्रूफ देने वाला हूँ, जो कि यहाँ पर मतलब मैंने जो है कल अपलोड करी थी वीडियो, उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम पर गया था एंड इंस्टाग्राम पर मैंने पूछा था कुछ लोगों से कि क्या मैंने कुछ गलत कहा है वीडियो में, मुझे आप लोगों के सजेशन चाहिए, अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो उसके लिए सॉरी। लेकिन भाई यहाँ पर फिर ऐसे कमेंट आते हैं जो कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर कुछ ऐसी गालियां हैं जो कि मैं नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे को भी यार मतलब काफी अंदर से बुरा लगा कि यार हम लोग मतलब रोज वीडियोस बनाते हैं, हमारे व्यूज भी नहीं आते हैं एंड मतलब आप लोगों को अपडेटेड भी रखते हैं। एंड ये आप लोग चैट देख सकते हो, एक पिकाचू नाम का बंदा है जो कि ऑफिशियल फैन पेज है, लिखा हुआ है इसके यूजर नेम पे गेम लवर चैनल से। एंड रोहन भाई देखो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैंने आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी लेकिन क्योंकि आपका रिप्लाई नहीं आया, मुझे पता है ये आपका कोई पता नहीं कोई मैनेजमेंट है या फैन है, मेरे को नहीं पता जो भी कोई है, लेकिन मुझे पता है यार देखो आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप ऐसे करोगे, आप ऐसे बंदे नहीं हो जो कि गेम लवर चैनल के ओनर है, तो गाइस उनको हेट मत देना। बट मैं उनसे जवाब चाहता हूं कि यार उनका जब ये मैनेजर है तो ये मेरे को ऐसे हेट क्यों दे रहा है, मेरे को ये ऐसे धमकी क्यों दी जा रही है खुलेआम, मेरे को नहीं पता यार। देखो ये तो सीधा पारस ऑफिशियल वाला सीन हो गया, आजकल एक बंदा पिट जाता है एंड उसके बाद में धमकी मिलती है, तो मेरे ख्याल से यार ये जो है काफी बुरी चीज है यार। देखो आप लोग कम्युनिटी में सपोर्ट तो क्या दिखाओगे हम लोगों को, आप लोग ना बस क्या बताऊं यार, मैं क्या कह सकता हूं गाइस, आज अंदर से इतना ज्यादा दुख हो रहा है। अब आप लोग पढ़ सकते हो देखो इसमें जो भी कोई है, एंड इसने जो है मेरे को ये कहा कि एक सोर्स है हमारा जो कि मतलब हम लोगों का बीजीएमआई का जो कि बताया है जिसने कि ओल्ड इरांगल आने वाला है, हम लोग वो रिवील नहीं कर सकते क्योंकि वो अपनी जॉब से जो है वरना उसकी जॉब चली जाएगी। मैंने कहा मुझे नहीं पता यार देखो आपका जो भी सोर्स है, लेकिन मैंने यही कहा था कि ओल्ड इरांगल तभी आएगा जब हमारे गेम फॉर पीस में आ जाएगा या हमारे पबजी पीसी में आएगा, अभी हमारे पास में कोई भी कन्फर्मेशन नहीं है कि यार वो चीज आ सकती है या नहीं आ सकती है। अब यहाँ पर देखो इस बंदे ने कहा कि मेरे को यहाँ पर डीएम मत कर देना, अगर चैनल पे आ रहा है तो दूर रहो। अब उसके बाद मैंने इसको कहा कि यार धमकी किस तो दे रहे हो, तो इसने कहा कि धमकी मैं खूंखार वाईटी को दे रहा हूँ जो कि मेरा नाम है ऑफिशियली इन गेम, एंड इसने कहा कि भाई औकात में रहो अपनी। तो यार देखो औकात तो तुमको मैं दिखा दूंगा अपनी, जिस दिन मेरा चैनल चल गया उस दिन मैं आपको औकात दिखा दूंगा, एंड कॉन्करर भी मैंने करा हुआ है अपनी औकात पे ही, सोलो कॉन्करर तो वो भी मैंने अपनी औकात पे ही करा हुआ है। एंड देख सकते हैं आप लोग मतलब यहाँ पर जो है इसने कहा कि जैसी आपकी इच्छा, मैंने कहा कि मैं जो है सीधा इससे गेम लवर्स से चैट करूंगा इसके बारे में जो भी सीन है, मैं इसको यूट्यूब पर अपलोड नहीं करना चाहता, मेरे को कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। एंड बाकी अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर ऐड लिख रहा है कि मैंने उसके नाम की धमकी नहीं दिया एंड अपने दम पर कर सकता हूँ, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि यार मेरे को मिली है इस बंदे से, एंड इसने कहा कि ये तो बस फैन पेज है। तो यहाँ पर देखो इस बंदे के नाम से आप तक क्लियर हो गया कि ये सब बस फैन पेज है, बट भाई जब अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये बंदा एक्चुअली में कौन है, तो इसने कहा कि बताने की जरूरत नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। एंड मैंने कहा कि डिस्कॉर्ड पर आ जाओ, मेरे जो डिस्कॉर्ड सर्वर है, बहुत सारे यूट्यूबर्स जानते होंगे डिस्कॉर्ड सर्वर क्या होता है, मैंने कहा कि वहां पर आके चैट कर लो तुम, क्योंकि मैं अपना कॉन्टैक्ट ऐसे किसी को भी शेयर नहीं कर सकता, तो मैंने कहा कि आ जाओ थोड़ी बातचीत वगैरह करते हैं आमने सामने, जो भी है थोड़ा सॉर्ट आउट कर लेते हैं, क्या मैटर है तुमको, क्या सही नहीं लगा उसको मैं करेक्ट करूंगा। लेकिन यार उसके बाद में यहाँ पर पता है इसने क्या लिखा, मैं गाली गलौज वाला बंदा नहीं हूं लेकिन धमकी दे रहा हूं, फालतू चैनल में कंटेंट मत डाल, एंड उसके बाद भाई एक गाली लिखी हुई है, ठीक है चैनल की ऐसी तैसी हो जाएगी, समझ में आया छोटे, एंड मैं न्यू हूं, तू न्यू है कम्युनिटी में, छोटा भाई समझ के बोल रहा हूं, तूने मेहनत करी है वीडियो में लेकिन एक वीडियो पे ये मत करके चैनल उड़ जाएगा, तो समझ में आया क्या लूप। तो कुछ ऐसी यार मतलब मेरे को जो कमेंट्स हैं वो मिले हैं एंड कुछ डीएम ऐसे आए हैं, मेरे को नहीं पता यार देखो ये पर्टिकुलर यूट्यूबर की तरफ से आए हैं या किसकी तरफ से आए हैं, लेकिन यार देखो ये कम्युनिटी में जो हेट है वो आजकल ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, आई डोंट नो इसको कोई बड़ा यूट्यूबर रिप्लाई भी करेगा या इसको कोई बड़ा यूट्यूबर कवर करेगा या कोई कमेंट करेगा मेरी वीडियो पे, आई डोंट थिंक सो कोई कमेंट करने वाला है,
बट यार देखो मेरे काफी दोस्त हैं मिलियन ऑफ यूट्यूबर, जो कि मैंने कल उनको एक वीडियो देखी मतलब भेजी कि यार देखो मैंने कुछ वीडियो में कुछ गलत कहा है जो मैंने कल वीडियो अपलोड करी थी ओल्ड एंगल के बारे में। एंड बाकी मैं आप लोगों को प्रूफ दिखा देता हूँ, ये कोई भी फेक चैट नहीं है जो कि आप लोगों को लगे कि मैंने खुद से बनाई है। ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोगों को बैक करके दिखा देता हूँ। ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर काफी जो है कुछ ज्यादा लोग हैं जिनसे कि मैं चैट वगैरह करते रहता हूँ। एंड वो जो पिकाचू नाम का बंदा था वो पहले भी था, एक्चुअली हम जो है डिस्कॉर्ड पर ही मिले थे, तो ये मैं इसको पहले से जानता हूँ, लगभग इतना नहीं जानता हूँ पर्सनली, एंड थोड़ी बहुत बात वगैरह हुई है क्योंकि मैं एक यूट्यूबर के सर्वर पहले जो है मैनेजर था, जो कि मैं अभी नहीं हूँ। एंड अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, मैं जो है गेम लवर्स के ऑफिशियल डिस्कॉर्ड सर्वर पर आ चुका हूँ। एंड भाई उसके बाद में जब मैं जाकर देखता हूँ, ये आप लोग देख लो ये गेम लवर्स का ऑफिशियल डिस्कॉर्ड सर्वर है। डिस्कॉर्ड सर्वर एक तरीके से ऐसा हो जाए जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह होता है। एंड देख सकते हो यहाँ पर इस बंदे का जो है नाम है, एंड उसके बाद में यहाँ पर जो है मैनेजमेंट है। बेसिकली मेरे सब्सक्राइबर ने जो है मेरे को सेंड करी है, तो मैं उनका नाम रिवील नहीं कर सकता, अदरवाइज उनको भी हेट रेट मिलेगा, तो यार क्या फायदा है। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने जो है मेरे को ये वीडियो दी थी जो कि डिस्कॉर्ड की थी। खैर यार मैं आप लोगों से इतना ही पूछना चाहता हूँ कि यार देखो आप लोगों ने, यार मैं सही बताऊं, जिसके पास आजकल एक्सूट है ना, जिसके पास मतलब स्किन्स है, या जिसके पास आईपैड है ना, आप लोग सिर्फ अबे और एक बंदा है वहाँ पे, ये बॉट क्यों नहीं मारा? तो देखो यार मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि जिसके पास यार आईपैड है ना आजकल, उसी को सपोर्ट मिलता है। जिसके पास सारी स्किन्स है, ब्लड एवन एक्सूट मैक्स है, ठीक है, कुछ लोग गलत तरीके से लेते हैं कार्डिंग करके, कुछ लोग अच्छे तरीके से लेते हैं, लेजिट लेते हैं, लेकिन यार सिर्फ उन्हीं को सपोर्ट क्यों यार जिनके पास आईपैड है? मोबाइल प्लेयर्स भी तो खेलते हैं अच्छा, ऐसा नहीं है कि यार हम मोबाइल प्लेयर्स बेकार खेलते हैं, या ओनली यार कॉम्पी प्लेयर्स को ही सपोर्ट मिलता है, क्लासिक प्लेयर्स को कोई मिलता ही नहीं है। मैं तो यार देखो आप लोगों के लिए मैं तो गाइस देखो आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि यार देखो मैं तो रोज वीडियोस भी अपलोड करता रहता हूँ, कुछ महीनों में यार देखो मैंने कुछ खोया भी है, मैं पर्सनल चीजें बार बार अपनी जो है रिवील नहीं करना चाहता। मैं अभी जो है ऐसे फेज में हूँ जिसमें कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता मेरी क्या हालत है। एंड सही में यार कल ये कमेंट्स देख के ना मेरे को अंदर से भी काफी मतलब रोना आया कि यार मैं आप लोगों के लिए इतनी मतलब वीडियोस लाता रहता हूँ दिन पर दिन, लेकिन भाई सपोर्ट मिलता है तो सिर्फ उन गिने चुने कार्डर्स को। जो कि मतलब एक हफ्ते में अचानक से पॉपुलरिटी हैशटैग #1 पर आ जाते हैं वीक में, जिसने कि मतलब परस ऑफिशियल को मारा, या मतलब और भी भाई कार्डर्स ऐसे हैं जिनके कि मैं नाम नहीं ले सकता, मेरे ऊपर भी खतरा आ सकता है। ठीक है, तो कम्युनिटी यार कुछ ऐसी है। बाकी यार देखो बात रही कल की वीडियो की, मैंने वहां पर कोई भी एक पर्टिकुलर यूट्यूबर का नाम लिया ही नहीं था, मैंने सिर्फ बात करी थी यहाँ पर ओल्ड एंगल के बारे में एंड एक अपडेट के बारे में। लेकिन यार अपना ओपिनियन देने के बाद में भाई जब आपको धमकी मिल रही है कि तेरा चैनल उड़ा दूंगा, या तू नया है कम्युनिटी में, तेरा मैं सत्यानाश कर दूंगा, या तू ये कम्युनिटी से बाहर फेंक दूंगा, तो यार तुम होते कौन हो यार कम्युनिटी से बाहर फेंकने वाले? अगर यार देखो मैंने कुछ गलत कहा है तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन यार मैंने कुछ गलत करा ही नहीं है। काफी ज्यादा मेरे सपोर्टर्स भी हैं, काफी ज्यादा हेटर्स भी हैं, लेकिन यार ये कल कुछ चीज ज्यादा ही हो गई। मैं इसके ऊपर कोई वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर ना एक यूट्यूबर का नाम आ रहा है जिसको कि मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। अब देखो मैं तो या फिर मैं सीधा गेम रोहन से जो है सीधा मांगना चाहता हूँ रिप्लाई कि ये कौन है, आपका मैनेजर है या कौन है? लेकिन भाई ये देखो
अगर भाई देखो ये आपका मैनेजर है तो इसको समझाओ थोड़ा, ये कौन है ऐसे? मुझे शील्ड नहीं दिख रही। ये मतलब खुले में ऐसे गाली दे देगा किसी को भी, या किसी को भी मतलब ऐसी धमकी दे देगा चैनल की कि चैनल उड़ा देंगे, ये उड़ा देंगे, वो उड़ा देंगे। तो आई डोंट नो यार, देखो ऐसी चीजें क्यों हो रही है कम्युनिटी में। वो बग गया है। रुको नेट है आगे। देखो गाइस, रही बात, मेरे को नहीं पता कि भाई देखो ओल्ड एरंगल आएगा या नहीं आएगा, लेकिन भाई ऐसी धमकी जो मेरे को आई है ये काफी मतलब डिसहार्टनिंग है एंड काफी मतलब ये अनएक्सेप्टेबल है यार। ये इसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि यार मतलब कोई ऐसा बंदा यार मतलब किसी यूट्यूबर के दम पे जो है धमकी वगैरह दे सकता है, वो भी जो कि मैनेजमेंट पोस्ट पर बैठा है। अब मेरे को नहीं पता यार, देखो गाइज, मैंने कल वीडियो में यही कहा था कि ओल्ड इरांगल अगर हमारे गेम के अंदर आ जाता है तो काफी अच्छी चीज होगी। भाई मैं भी चाहता हूँ गेम के अंदर ओल्ड इरांगल आए, लेकिन अभी जो है नेक्स्ट वीडियो में भाई लिविक 2.0 आने वाला है। तो यार पहले पूरी वीडियो देखा तो करो गाइज, आप लोग पहले यार मतलब ऐसे कमेंट करने लग जाते हो तो उसका क्या फायदा है, एंड उसके बाद में भाई धमकी भी मिलने लग जाती है कि तेरा चैनल उड़ा देंगे। तो ये कहाँ का यार मतलब सच है, ये कहाँ के मतलब सही चीज है यार? ये तो टोटली मैं कहूंगा गुंडा कर दिया है, जो कि पारस ऑफिशियल के साथ में हुआ है। ऐसे ही मेरे साथ में भी कल को हो सकता है। ऐसे यार मैं किसी के बारे में आवाज उठाऊंगा या किसी के बारे में अपना ओपिनियन दूंगा तो मेरी तो ऐसी हालत हो जाएगी यार गेम की वजह से। यार मतलब आप लोग इतनी बड़ी चीज कह रहे हो यार किसी के लिए, किसी के माँ बहन को गाली दे रहे हो, किसी के माँ बाप को गाली दे रहे हो, किसी का मतलब चैनल उड़ाने वाली बात कर रहे हो। आई डोंट थिंक सो गाइज, ये जो है सही चीज़ है। इस कम्युनिटी में जो भी सही बंदा मानता हूँ वो सिर्फ क्लासिफाइड YT हैं, जो कि मतलब अपडेट। जो कि मतलब क्लासिफाइड YT हैं ऐसे बंदे अपडेट वीडियोस कैटेगरी में, जो कि मतलब अपडेट डालते रहते हैं एंड काफी जल्दी डालते रहते हैं, एंड मतलब उनके अपडेट जो है ना जेन्यून भी रहते हैं। एंड वो जिससे अपडेट लेते हैं वो लेते हैं प्रियांग गेमिंग से एंड यहाँ पर मैट तमीजा वगैरह से लेते हैं, ठीक है। कुछ लीक्स वगैरह होते हैं तो मैंने प्रियांग भाई से भी इस बारे में बात करी थी कि, तो मैंने प्रियांग भाई से भी पूछा था कि यार ओल्ड इरांगल आने वाला है नहीं आने वाला, तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं आने वाला, ऐसा कोई भी लीक नहीं है। तो लास्ट को मार रहा है। देखो कोई भी चीज आने से पहले ना एक लीक चाहिए होता है, एक प्रूफ चाहिए होता है, क्योंकि भाई जब BGMI आ रहा था तब भी काफी ज्यादा हिंट्स आ रहे थे कि BGMI आ जाएगा। कुछ चीज मतलब मैं क्या बताऊं यार, कुछ लोग तो रोज लॉन्च कर रहे थे BGMI को मोदी जी के नाम से, एंड आज भी काफी लोग जो है गेम प्ले डाल रहे हैं इरांगल ओल्ड इरांगल का कि आप लोग कैसे खेल सकते हो। तो देखो यार मैं इतना ही कहना चाहूंगा, देखो गाइस आप लोगों के हाथ में, आप लोगों को हेट करना है या नहीं करना है, लेकिन भाई किसी को भी धमकी देने से पहले अपनी औकात जान लो। देखो मेरी औकात तो काफी है, ठीक है, मैंने भी जो है सोलो कॉन्कर करा है, मेरी तो यही औकात है गेमिंग में। बाकी भाई देखो मेरी कोई जॉब नहीं है तो रियल लाइफ में तो मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन गेमिंग कम्युनिटी में मेरी आवाज अच्छी है, मेरे को पता है मेरे थंबनेल सही है, ठीक है। तो इतने यार देखो मैं जो भी हूँ अपने दम पर हूँ, एंड मैंने कल यही अपना ओपिनियन दिया था उनके बारे में जो कि रोज BGMI लॉन्च कर रहे थे, एंड जो भी लोग कह रहे हैं कि रोज रोज नया इरांगल आ जाएगा, तो मैं उनके बारे में बात कर रहा था। तो इतना ही कहना था आज की इस वीडियो में। बाकी यार देखो गेम रोहन, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आप लोगों से आपसे रिप्लाई चाहता हूँ, ठीक है, एंड तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद।